अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कनीज डिज़ाइनर। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आज आप लोग को हम बताएंगे बेडशीट डिज़ाइन। तो बहुत ही इजी डिज़ाइन हम बताने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में तैयार भी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो वीडियो देखने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग देख सकें हमारी हर नई वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम डिज़ाइन को बनाना बताते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कटे हुए पीसेस जो हैं ले लिए हैं। और डिज़ाइन बनाने के लिए हम तीन कलर यूज करने वाले हैं, ब्लैक कलर, रेड कलर और हमने लिया है वाइट कलर। तो जो कपड़ा है हमने क्रेप का लिया है, और इसकी कितनी लंबाई चौड़ाई है सभी आपको इसका मेजरमेंट हम दिखा दे रहे हैं, और कितने पीसेस हमने लिए हुए हैं यहाँ पर। तो बहुत ही आसानी से आप लोग बना सकते हैं, बहुत ही कम समय में तैयार भी हो जाएगा। तो चलिए हम आप लोग को इसका मेजरमेंट दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपका जो ब्लैक वाला पीस है उसे हमने लिया है 3 इंच का, और चारकोन का। ये सभी पीसेस हमारे 3 ही इंच के हैं, तीनों कलर के जो पीसेस हमारे हैं 3 इंच के ही हमने लिया है। इसे हमने लिया है 2 पीस, और इसे हमने लिया 1 पीस, और इसे हमने लिया है 2 पीस। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने लिया है 3.5 इंच का, और ये भी चारकोन का है, और इसे हमने लिया है 2 पीस। और वाइट वाला जो पीस है ये भी हमने लिया है 3.5 इंच का, ये भी हमारा चारकोन का है, और इसे हमने लिया है 2 पीस। अगर आप लोग छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अपने पसंद से, अपने अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, जो छोटा वाला पीस है हमें उसे ऊपर रख दें किनारे, और जो बड़ा वाला हमारा पीस है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो सभी पीसेस को हमें बराबर रखने हैं, और अच्छे से मुड़ना है हमें बीचों बीच से, और हमें इसे काट लेना है, इससे हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर जो व्हाइट वाला है इसे भी हम काट लेंगे उसी तरीके से। अगर आप चाहें तो एक एक पीस भी काट सकते हैं, नहीं तो जितना संभाल पाए उतना आप काट लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पीसेस जो है कट चुके, अब हम आपको सिलना बताते हैं। तो जितने पीसेस हमने लिए हैं यहाँ पे हम एक ही डिज़ाइन बनाएंगे, और बाकी का आप लोग इसी तरीके से बना लीजिएगा। तो यहाँ पे हम दोनों कलर के पीसेस को उठाएंगे, कटे हुए पीसेस, और दोनों को अच्छे से एक कॉर्नर से मिलाएंगे, और इसे हम ज्वाइन कर देंगे। तो सिलाई जब करें आप तो सिलाई बराबर रखें और कम ज़्यादा ना करें। तो यहाँ पे हम आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे डिज़ाइन बनाना है, कैसे स्टिच करना है। तो यहाँ पे हमने इसे ज्वाइन कर लिया, और जो हमारा बाकी का है सभी को हमें अच्छे से स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी पीसेस को सिल लिया है, देख सकते हैं हमने चारों पीसेस को हमने ज्वाइन कर लिए हैं, और इस तरीके से देख सकते हैं हमारा, हमने जैसे जोड़ के आप लोग को दिखाया बिल्कुल उसी तरीके से हमने सभी बाकी पीसेस को जोड़ लिए हैं। तो अब हम आगे क्या करेंगे, हम लेंगे रेड वाला पीस, उसके बाद हम दोनों जो हमारा वाइट का है उसी लेंगे, और एक हम पीस उठाएँगे इसमें से और यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हम ज्वाइन करेंगे, तो एक तरफ हमारी ज्वाइन हो गई है, फिर दूसरी तरफ भी हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने इसे भी जोड़ दिया, तो इस तरीके से हमारी एक पट्टी तैयार हो जाएगी। फिर दूसरा पट्टी हमें तैयार करना है, तो हम ब्लैक का लेंगे और हम ज्वाइंट वाला पीस उठाएंगे। तो इस तरीके से आपको रखने हैं, ब्लैक को मिलाने हैं ब्लैक में, और हमें ऐसे जोड़ देने हैं। तो आप लोग देखें कि किस तरीके से हम पीस रख रहे हैं, कैसे ज्वाइंट कर रहे हैं, तो उसी तरीके से आपको लोग को रखना है। अगर आप लोग अलग ना करें तो डिज़ाइन बिगड़ जाएगी। और हम दूसरा पीस उठाएँगे, उसे भी हम इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पर देखिए हम मिलाएँगे और इसे हम ज्वाइंट कर देंगे। तो इसे भी हमें बराबर से जोड़ लेने हैं, जो भी आप सिलाई करें बराबर करें, एक साइज़ के करें, कम ज़्यादा ना करें। तो यहाँ पे हमने एक पीस सिल लिया है, तो जो भी हमारे बचे हुए पीसेस हैं तो इसी तरीके से हम एक पीस और सिल लेंगे। तो जैसे हमने सिल के आप लोग को दिखाया उसी तरीके से आपको इसे भी सिल लेना है। तो यहाँ पे इस पट्टी को भी हमने सिल लिया है, तो यहाँ पे देखिए दो हमारी सेम तरीके से है। फिर हम उठाएंगे इस पीसेस को और इस पट्टी में लगाएंगे, देखिए इस तरीके से हमें लगाना है, और यहाँ पे ज्वाइंट मिलाएंगे पीसेस के, और यहाँ पे अच्छे तरीके से हम ऊपर से नीचे तक सिलाई करेंगे। तो बहुत ही आसान डिज़ाइन है, बहुत ही कम समय में तैयार होगा, और बहुत ही खूबसूरत लगेगा बनने के बाद भी। इसमें खूबसूरती भी ज़्यादा है, कम समय में भी है और खूबसूरती भी इसमें है। तो आप लोग बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो दूसरा पीस उठाएंगे और यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे, एक पीस हमने ज्वाइन कर लिया, फिर दूसरे को भी हम उसी तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। तो आप लोग ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। आप लोग चाहें तो पहले, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो पुराने कपड़े पर भी सीख सकते हैं, और फिर नए कपड़े पर बनाएँ। कोई भी डिज़ाइन आप लोग अगर बनाना चाहते हैं तो पहले पुराना कपड़ा लें, उस पर एक फ्लावर बनाएं, और उस बाकी का आप नए पर बनाएँ। तो इस तरीके से देखिए, दोनों तरफ हमने ज्वाइन कर लिए पीसेस को, हमारा देखिए इस तरीके से डिज़ाइन का लुक जो है आ रहा है, इस तरीके से जुड़ने के बाद हमारा आएगा। तो हमने यहाँ पे अच्छे से सभी पीसेस को ज्वाइन कर लिए हैं, और आगे आप लोगों को बताते हैं
तो हमने इसे जोड़ लिया है, तो हमारी ये जो डिज़ाइन है वो बन चुकी है इस तरीके से। तो ऐसे ही हमें तैयार करनी है बाकी के पीसेस को, फिर आगे हम आप लोग को समझाएंगे, सभी कुछ दिखाएंगे कैसे करना है। तो अब हमें अभी हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद फिर आगे आप लोग को समझाते हैं और बताते हैं कैसे पीसेस को आप जोड़ सकते हैं और बेडशीट को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हमने पीसेस को अच्छे से प्रेस कर लिया है और हमारी सिलाई जो है अच्छे से बैठ चुकी है। तो अब बात यह है कि आप लोग कैसे बेडशीट को ज्वाइंट करेंगे कि आपकी बेडशीट अच्छे से तैयार हो जाए। तो इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे पीस को तैयार किया है जिस तरीके से, उसी तरीके से बाकी का पीस आपको तैयार करने हैं। आपको कुछ करना नहीं है अलग से, बस सेम तरीके से ज्वाइंट कर लेने हैं जितना कि आप बेडशीट में लगाना चाहते हैं। तो जब हम ज्वाइंट करेंगे तो ऐसे हम पीस रखेंगे, और जब दूसरा पीस हमें जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से हम घुमा देंगे, जैसे कि हमारा यहाँ पर ब्लैक आ रहा था तो हमारा यहाँ पर वाइट आके जुड़ जाएगा, और यहाँ पर ब्लैक हमारा आके जुड़ना चाहिए, इस तरीके से हम घुमा देंगे। तो हमें दो तरीके से, पहले हम लगाएंगे ब्लैक का फिर वाइट का, तो हम पीसेस को पलटते जाएंगे और ज्वाइंट करते जाएंगे। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ब्लैक के बाद हमें वाइट लगाना है, वाइट के बाद हमें ब्लैक लगाना है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे जिस तरीके से ऐसे घुमा घुमा के हमें ज्वाइंट करने हैं सभी पीसेस को। जब हमारा ब्लैक आएगा जहाँ पे वाइट का ज्वाइंट करेंगे, और जहाँ वाइट आएगा हमें ब्लैक का ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरीके से हम लंबाई चौड़ाई में ज्वाइंट करेंगे। तो जुड़ने के बाद इस तरीके से स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लोग, हमारी डिज़ाइन बिल्कुल इसी तरीके से बन के आएगी और बहुत ही खूबसूरत लगेगी जुड़ने के बाद। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे आपको बेडशीट जोड़ने हैं, बहुत ही आसान है, पट्टी नहीं लगाने हैं इसमें, आपको सिर्फ पीसेस को ज्वाइंट करने हैं, बहुत ही अच्छे से हमारी डिज़ाइन जो है तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने लिए, अपने बेबी के लिए। अगर आप लोग हमसे बनवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग हमसे कांटेक्ट या व्हाट्सअप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो आप लोग को, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों हमारे वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक रखें हमें दुआ में याद, अपना और अपनों का रखें खूब ज़्यादा ख्याल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।